हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू ग्लैमरस मी। फाइव ऐसे फाउंडेशंस जो कि इस हॉलिडे सीजन में बहुत अच्छा काम करेंगे, हमारे बेस को एक बहुत ग्लॉसी एंड बहुत फ्लॉलेस फिनिश देंगे। ग्लास लाइक इफेक्ट किसको नहीं पसंद। दोस फाइव फाउंडेशन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे। Also, the link of all these foundations are down in the description box. If you want to check that from the link, you can also do that. Let's move towards and let's see what all these brands are. सो गाइस, सबसे पहले जो मैं बात करने वाली हूँ ये सबका फेवरेट होगा आज के टाइम पर। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, यूट्यूब देखते हो तो आपको पता ही होगा कि बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट और तकरीबन 99% मेकअप इंडस्ट्री के लोग इस प्रोडक्ट को रेव कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट से ही काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। मेरे पास ये काफी सारे शेड्स में है, दो शेड्स तो ये हैं, बाकी मेरे वैनिटी में है। ये फुल कवरेज है, आप इसको बिल्डअप कर सकते हो, ये आपको फुल कवरेज यू नो फिनिश देगा। सेकेंडली, इसका बहुत ही ड्यूई फिनिश है। अगर मैं बात करूं ड्राई स्किन वाले या ऑयली स्किन वाले, आई थिंक ऑल स्किन टाइप के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से सेटल डाउन होता है, बहुत इजिली इसे ग्लाइड हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर और अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेता है स्किन पे। इसीलिए ये प्रोडक्ट को मैं रिकमेंड कर रही हूँ एज माई फर्स्ट प्रोडक्ट। 30 ml की पैकेजिंग में आता है, इस तरह की बॉटल में आपको आएगा लाइक फ्रॉस्टेड बॉटल। इसके ऊपर फॉरएवर 52 एम्बॉस्ड है, 30 ml की पैकेजिंग है एंड इसका प्राइस इज नियर अबाउट 700 to 800 के बीच में MRP है जो। लेकिन यू कैन ऑलवेज गेट दिस ऑन डिस्काउंट। मैंने इसको बहुत अच्छे डिस्काउंट पर लिया है एंड आई थिंक आई एंडेड अप पेइंग समवेयर अराउंड 600 to 650 रुपीज। एंड उस प्राइस रेंज में एक फुल कवरेज फाउंडेशन मिले जो कि हम ब्राइड्स पर यूज करते हैं, अपनी पार्टी लुक्स के लिए यूज करते हैं। अगर आप अपने लिए ये बाय कर लेते हैं तो आपको किसी सैलों, आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प की जरूरत नहीं है। अच्छा सा स्किन केयर कीजिए, अच्छा सा बेस रेडी कीजिए, उसके ऊपर ये फाउंडेशन लगाइए एंड यू आर गुड टू गो। सो दिस वॉज माई फर्स्ट प्रोडक्ट, मस्ट बाय। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स माई सेकेंड प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट की बात करूं तो वो है ये मेबलिन का सुपर स्टे रेंज, नॉट द फिट मी वन बट दिस इज द मेबलिन सुपर स्टे रेंज। सबसे पहले पैकेजिंग की बात कर ले हैं तो इस तरह की कुछ ग्लास पैकेजिंग में ये आता है। इसके ऊपर आपको ये पंप मिल जाता है तो इट इज वेरी इजी। फॉरएवर 52 की बॉटल में भी आपको पंप मिल जाएगा तो काफी इजी है इन चीजों के साथ काम करना। आप बहुत आसानी से ऑन द बैक ऑफ योर हैंड और मे बी ऑन द प्लेट यू कैन जस्ट टेक दैट दीज आउट एंड यू कैन वर्क विद इट। सबसे पहले ये बजटेड है, सेकेंड इसका फिनिश बहुत अच्छा है, बहुत फ्लॉलेस मैट फिनिश देता है। ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका ड्राई स्किन है तो ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ काम नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी ड्राइंग फाउंडेशन है बट जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं, अगर आप अपना बेस अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, अच्छे से मॉइस्चराइजिंग, अच्छे से प्राइमर, अच्छे से स्किन केयर करेंगे और उसके बाद इसको यूज करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। सबसे पहले बहुत अफोर्डेबल है, मुझे अमेजोन सेल के दौरान आई थिंक 460-470 के बीच में पड़ गई थी। तो ऑफकोर्स यू कैन ऑलवेज गेट दिस ऑन डिस्काउंट। सेकेंडली, इसका इतना अच्छा फिनिश है कि मैंने कभी इसको स्विच करने का नहीं सोचा। आई डू थिंक दैट हर स्किन टाइप और हर एज ग्रुप के लिए ये फाउंडेशन काफी अच्छी है। अगर मैं मैच्योर स्किन की भी बात करूं, अगर आप स्किन केयर अच्छा कर रहे हो तब भी आप ये फाउंडेशन यूज कर सकते हो। 30 ml की पैकेजिंग में आता है एंड इसका शेल्फ लाइफ काफी अच्छा है तो आई मस्ट रिकमेंड दिस। लेट्स मूव टूवर्ड्स माई थर्ड फाउंडेशन नाउ। Moving towards my third foundation, this is not a foundation only, but you can actually treat it as a base, like a foundation base. This particular product, these are cover pots from Cuffs and Lashes. If you don't know, Cuffs and Lashes is a brand. अभी एक न्यू ही ब्रांड था, कुछ टाइम के अंदर ही, कुछ सालों में, like एक डेढ़ दो सालों में ही इस ब्रांड ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स और सारे प्रोफेशनल रेंज के प्रोडक्ट हैं, आप प्रोफेशनली उन प्रोडक्ट्स के साथ काम कर सकते हो। अगर मैं इनके आई शेडोज की बात करूं, इनके ब्रशेस की बात करूं, अगर मैं इनका स्किन केयर या फिर जो ये मेकअप लाइन के प्रोडक्ट्स हैं इनकी बात करूं तो सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं। सब क्योंकि आज हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो आज हम सिर्फ फाउंडेशन की बात करेंगे। तो ये हैं ये चुटकू से कवर पॉट, 14 ग्राम की पैकेजिंग में आते हैं। इनका प्राइस बहुत ही अच्छा है,
299 इनका प्राइस है. दीज आर ऑलवेज ऑन सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट्स. आपको डिस्काउंट्स पे ये बहुत आसानी से मिल जाएंगे, इससे भी कम प्राइस में. 14 ग्राम की पैकेजिंग है. वो दोनों लिक्विड प्रोडक्ट है, ये क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है. आप इसको एज अ बेस भी यूज कर सकते हो. ये क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है. अगर मैं आपको इसकी कवरेज दिखाऊं, देखो कितना थिक है. उनकी कंसिस्टेंसी लिक्विडी है, बट दीज आर वेरी थिक इन कंसिस्टेंसी, जिससे पता चलता है कि आपको कैसी कवरेज देगा. ऑफ कोर्स दीज आर फुल कवरेज प्रोडक्ट. आप इसको अच्छे से सेट करके अपनी ब्राइड्स पर आराम से यूज कर सकते हो. जो भी प्रोडक्ट आप अपनी ब्राइड पर यूज कर सकते हो, दैट मीन्स वो आप पर्सनली भी यूज कर सकते हो. थिक कंसिस्टेंसी होने की वजह से ये फुल कवरेज है. कोई एक्स्ट्रा करेक्टिंग अगर आपको नहीं भी करनी है तो यू आर ओके विद इट. नॉर्मल टिट्स बिट्स तो अगर दिखते हैं तो दैट्स टोटली फाइन, बट ये कवरेज बहुत अच्छी कवरेज देता है. यू कैन सी कि पहले एक डर्मोकोल फाउंडेशन चली थी जिससे आप अपने टैटू को भी हाइड कर सकते थे. दिस इज समवट सिमिलर टू दैट. या फिर जो लोग क्राइलॉन यूज करते हैं, अगर उन लोगों को आइडिया है क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट का, तो ये कुछ उस तरह का है. क्राइलॉन के प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छे काम करते हैं. तो थर्ड जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ वो ये है. इस प्रोडक्ट के साथ भी थोड़ा सा ये है, अगर आपकी ऑयली स्किन है देन टोटली फाइन, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा ये मैटिफाइंग प्रोडक्ट है. यू कैन प्रेप योर स्किन. ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन वाले इसको यूज नहीं कर सकते. मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स पर ये प्रोडक्ट यूज कर चुकी हूं. सो ड्राई स्किन वाले अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप कर लें एंड देन यू आर गोइंग टू यूज दिस. दिस इज माई थर्ड रिकमेंडेशन. लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इनको बाय कर सकते हैं. तो ये तो हो गया हमारा थर्ड प्रोडक्ट. लेट्स मूव टूवर्ड्स माई फोर्थ प्रोडक्ट नाउ. मूविंग टूवर्ड्स माई फोर्थ प्रोडक्ट. जो फोर्थ प्रोडक्ट है ये भी अगेन काफी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है. एंड लेट मी टेल यू, ये हमारा है लैक्मे 9 to 5. फॉर पीपल हु रियली वॉन्ट टू बाय समथिंग फ्रॉम फॉर देम सेल्फ, देन प्लीज गो एड एंड बाय दिस रेंज लैक्मे 9 to 5. दिस इज प्राइम प्लस मैट, प्राइमर प्लस मैट. इसके अंदर प्राइमर भी है और फाउंडेशन भी है. वैसे ये लोग तो कहते हैं कि प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है, बट बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दिस टू एवरीबॉडी कि प्राइमर की एक लेयर लगा लें अच्छे से, एक मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी एक प्राइमर की लेयर लगा लें, ताकि जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन के अंदर सीपी नहीं हो, एक बैरियर क्रिएट हो जाए. तो ये प्रोडक्ट मैं हाईली रिकमेंड करूंगी उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा लाइट टू मीडियम कवरेज चाहते हैं. दिस विल गिव यू समवेयर बिल्ड अप ली लाइक मीडियम कवरेज का फाउंडेशन. बहुत लाइट वेट है, लिक्विडी कंसिस्टेंसी है, काफी रनी कंसिस्टेंसी है. अगर मैं बात करूं तो ये कुछ स्पैक्चुला फॉर्म में आता है. काफी सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे एंड ये अफोर्डेबल रेंज में आता है. 350-400 के बीच में आपको इजिली मिल जाएगा एंड 25 ml की पैकेजिंग में आता है. शेल्फ लाइफ काफी अच्छी है, 3 years की शेल्फ लाइफ है इसकी. एंड ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट है. अगेन स्किन प्रेप करो, कोई भी स्किन टोन वाला इसको लगा सकता है. लेट्स मूव टूवर्ड्स माई फिफ्थ प्रोडक्ट. फिफ्थ प्रोडक्ट मेरा अगेन फेवरेट प्रोडक्ट है, बट इट इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड Forever 52. ये है वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट पाउडर है. तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर, बट क्योंकि ये वेट एंड ड्राई है, आप इसको वेट भी यूज कर सकते हो, ड्राई भी यूज कर सकते हो. अगर आप इसको वेट यूज करोगे देन दिस विल एक्ट लाइक अ फाउंडेशन. इसीलिए मैं ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हूँ. सो वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट की पैकेजिंग कुछ इस तरह से है. 14 ग्राम की पैकेजिंग में आता है. व्हेन यू ओपन इट यू गेट अ मिरर हियर एंड यहां पर आपको ये कॉम्पैक्ट मिलता है. नीचे एक स्पॉन्ज मिलता है जो कि थोड़ा गंदा है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बिकॉज मैंने इसको यूज किया हुआ है. सबसे पहले अगर आप इसको ड्राई यूज करना चाहते हो तो आई होप यू ऑल नो इट, इसको आपको सेट करने के लिए अपने फाउंडेशंस को नॉर्मल एज अ पाउडर या आप एज अ कॉम्पैक्ट इसको यूज कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसको फाउंडेशन की तरह कैसे यूज करेंगे. इसके साथ आता है ये स्पंज. आप अपना भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हो. आपको क्या करना है, दिस इज अ वेरी सॉफ्ट क्रीम टाइप का, यू नो, अगर आप देखो बहुत क्रीमी कंसिस्टेंसी का ये बेसिकली कॉम्पैक्ट है. आपको क्या करना है, अपने इसको ब्लेंड वेट करना है अपने ब्लेंडर को या फिर आपके जो ये स्पंज आता है. देन यू हैव टू डिप योर प्रोडक्ट, गीला करने के बाद यू हैव टू डिप योर प्रोडक्ट इनसाइड दिस एंड देन स्टार्ट यूजिंग सिंपली ऑन द स्किन. जैसे इफ यू हैव एवर यूज मैक का स्टूडियो फिक्स आता है, जैसे ये बिल्कुल एग्जैक्टली टचअप्स करने के लिए या बहुत कम कवरेज के लिए आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो. अगर मैं कवरेज की बात करूं तो ऑफकोर्स इट्स नॉट अ फुल कवरेज प्रोडक्ट, ठीक है. एंड लाइक नॉर्मल डेली वेयर के लिए, नॉर्मल लुक के लिए,
नॉर्मल कवरेज के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इतनी स्मूथ और फ्लॉलेस और शाइनी से फिनिश देता है। कोई सा भी स्किन टाइप है, चाहे आपका ड्राई स्किन टाइप है, चाहे आपका ऑयली स्किन टाइप है, आपको करना क्या है, आपको जस्ट इसको वेट करना है, अच्छे से स्किन केयर करना है एंड अपनी स्किन के ऊपर इस तरह से यू स्टार्ट अप्लाइंग इट एंड दैट्स इट। देन यू कैन जस्ट यूज योर पाउडर्स लाइक ब्लशर्स, कॉन्टूर, व्हाटसोएवर यू वांट टू डू इट एंड यू आर गुड टू गो। सो ये प्रोडक्ट मेरा करंट फेवरेट है, माई गो टू प्रोडक्ट। आई कीप इट इन माई बैग लाइक फॉर टचअप्स एंड फॉर लाइक नॉर्मल थिंग। विद दिस आई कम्प्लीटेड दिस वीडियो। यू कैन डेफिनेटली बाय दिस ऑल्सो। अगर आपको बैग में रखने के लिए कोई फाउंडेशन चाहिए तो दिस इज द आंसर फॉर यू। नीचे आप इजिली इसका स्पंज कैरी कर सकते हो, जो इसका नीचे वाला पोर्शन है। अगर वेट भी रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ ये ऐसा एरिया दे रखा है, सो योर स्पंज विल गेट ड्राई ऑटोमेटिकली, सो नो वरीज, यू जस्ट कैन कैरी दिस। दिस लुक एट द क्यूट पैकेजिंग। So yeah, with this I completed today's video. I hope you enjoyed it. Let me know in the comment section below whether you like this video or not. Or आप किस तरह की videos देखना चाहते हैं? Do let me know in the comment section below. Description में मैं सारे links दे दूंगी, आप वहां से directly भी इनको check out कर सकते हो. And in future if you want to see same more videos, let me know in the comment section. I would love to create those videos for you. And with this I completed today's video. I hope you enjoyed it. I'll shall meet you in my next one. Till then you take care. Bye bye.